सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में हमें कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिलेगा या नहीं, तो आज के स्टूडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि सेथ रोलिंस का जो सिंगल्स मैच है वो ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है, और सेथ रोलिंस को जो मिस्ट्री ओपोनेंट है, सबसे ज़्यादा रूमर्ड ये चल रहा है कि वो कोडी रोड्स हो सकते हैं। यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, और विंस मैकमैन सेथ रोलिंस के मिस्ट्री ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स को ला सकते हैं। और कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि विंस मैकमैन आएंगे और बताएंगे कि सेथ रोलिंस के मिस्ट्री ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स होने वाले हैं। तो अगर गाइज कुछ ऐसा हमें सीन देखने को मिलता है तो अब तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में हमें तो कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिल ही जाएगा। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी निराश वाली बात है। लेकिन फिर भी गाइस, जहां तक कि मुझे लग रहा है कि अगर कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में ये वाला चीज़ अगर देखने को मिल गया तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, और चांसेस ज़्यादा हैं काफ़ी अपडेट एंड रूमर्स का कहना है कि कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में कोडी रोड्स का रिटर्न हो ही जाएगा। क्योंकि रेसलमेनिया 32 में वो WWE को वहीं से छोड़ते हैं, और हो सकता है कि वहीं से WWE को वो ज्वाइन करें, क्योंकि AEW अभी से कुछ दिन पहले उनको गुड बाय कर देती है, यानी कि कहती है कि चलो तुम मेरी कंपनी से निकल जाओ और एस करो। तो हो सकता है गाइस कि WWE उनको एस करवाएगी WWE में ला के, और रेसलमेनिया के नाइट वन में हमें कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और हु नोज गाइस, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच में नाइट वन में ही हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल जाए। बाकी गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाकर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। लेकिन गाइस, स्टिल मैं अभी और किसी के साथ नहीं, बल्कि गाइस मैं कोडी रोड्स के साथ जाऊंगा, और कोडी रोड्स का रिटर्न हो सकता है, और हमें देखना होगा कि कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में ये वाला चीज़ हमें देखने को मिलता है नहीं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।